भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच मेलबोर्न में खेला जा रहा है। वहीं भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 443 रन बनाए। उसके बाद कप्तान विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया टीम ने बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए। वहीं भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन और भारतीय गेंदबाजी के फॉर्म को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि भारत तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सकता है। लेकिन यहाँ भारतीय टीम को एक बड़ा झटका भी लग सकता है और वो है विराट कोहली के रूप में। जी हाँ, दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से विराट के बैक में पेन की समस्या हुई, जिसके बाद मैदान पर ही फिजियो को बुलाना पड़ा। वहीं मैदान पर कप्तान को फिजियो ने चमन दिया और कप्तान ने टैबलेट भी ली, लेकिन इसके बाद ही विराट शॉर्ट गेंद पर थर्ड मैन पर अपना कैच थमा बैठे और 82 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। वहीं विराट के दर्द की रिपोर्ट आ चुकी है और यहां पर विराट को फिट बताया गया है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या विराट आगे का मैच खेल पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से लव कुमार की रिपोर्ट।